हेलो दोस्तों, भारत में बीते एक साल में खाद्य तेल के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। देश की एक बड़ी आबादी पहले से ही महंगाई, कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जूझ रही है। ऐसे में खाद्य तेल में दामों में हुई इस वृद्धि ने आम आदमी के बजट को तबाह कर दिया है। भारत में आमतौर पर 6 खाद्य तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, डालडा, रिफाइंड सूरजमुखी का तेल और ताड़ का तेल शामिल है। उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक बीते एक साल में इन तेलों के दाम 20 से 56% तक बढ़ गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सरसों के तेल के दामों में करीब 50% से ज्यादा वृद्धि हुई है। पिछले साल मई के महीने में 1 लीटर सरसों के तेल की कीमत 118 रुपए, वहीं सूरजमुखी के तेल की कीमतों में भी 50% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। देखा जाए तो इस साल मई महीने में इन 6 खाद्य तेलों की कीमतें बीते 11 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। देश में खाद्य तेल की खपत की बात करें तो इसमें भी काफी तेजी से उछाल आया है। साल 1993-94 की बात करें तो देश में प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में तेल की खपत 370 से 480 ग्राम और शहरी क्षेत्रों में 560 से 660 ग्राम प्रति महीना था। ये खपत साल 2011 से 12 में बढ़कर ग्रामीण क्षेत्रों में 670 ग्राम और शहरी क्षेत्रों में 850 ग्राम से अधिक हो गया था। भारत में खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि की वजह जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि देश में तेल की कुल खपत का 56% हिस्सा आयात किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बीते कुछ महीनों में खाद्य तेल की कीमतों में अलग अलग वजहों के कारण तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एक एक्सपोर्ट की माने तो बीते कुछ समय में वनस्पति तेल से जैव ईंधन बनाने पर काफी जोर दिया जा रहा है और ये खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों की एक बड़ी वजह है। इसके अलावा अमेरिका और ब्राजील के साथ और भी कई देशों में सोयाबीन तेल से अक्षय ईंधन यानी कि रीयूजेबल फ्यूल बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बावजूद बीते एक साल में खाद्य तेल की वैश्विक मांग में भी बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों की प्रमुख वजहों में चीन द्वारा खरीदारी, मलेशिया में मजदूर मामला, ताड़ और सोया उत्पादक क्षेत्रों में मौसम का बुरा असर, इंडोनेशिया और मलेशिया में ताड़ के कच्चे तेल पर निर्यात शुल्क शामिल है। इसके अलावा FAO की माने तो अपेक्षा से कम खेती और अमेरिका के प्रमुख सोया उत्पादक क्षेत्रों में खेती के लिए विपरीत मौसम भी इसके बड़े कारणों में शामिल है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।